सिटी 93 के मजीद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये देख सकते हैं आपके कारोबारी जितने भी सामान है वो जब्त किया जा रहा है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों के लिए मालूम है कि मैं आप लोगों के लिए मुख्तलिफ जगहों की जो तोड़ फोड़ की, इंक्रोचमेंट की, एंटी इंक्रोचमेंट की वीडियो लाते रहता हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरह ये जो वीडियो है, ये वीडियो सुराबगोट की और शफीक मोड़ की है। मतलब सुराबगोट से और शफीक मोड़ के दोनों तरफ जो है तजावजात के खिलाफ जो ना एंटी इंक्रोचमेंट की टीम ने सब कार्रवाई की है। तफसीलात के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची, डॉक्टर सैयद सैफुररहमान और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर सुजात हुसैन की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बल्दिया उज़्मा कराची इमरान अहमद राजपूत की ज़ेर निगरानी ज़िला वस्ती के इलाके में तजावज़ के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एंटी इंक्रोचमेंट के अमले ने सुराबगोट एडीएन सेंटर से शफीक मोड़ तक सड़क के दोनों तरफ कार्रवाई में मसरूफ़ है। रोड और फुटपाथ पर कायम तजावजात के खिलाफ का खात्मा कर दिया। दोनों दौरान कार्रवाई तजावजात कायम करने वालों के कब्जे से मुतय सामान जब्त कर लिया गया है। ये दो देख सकते हैं कि यहाँ पर कपड़े वाले ने अपना कारोबार शुरू किया हुआ था मेन रोड पे। चारों तरफ से बांस लगा के उन्होंने जो है कपड़े को सजाया हुआ है। बिल्कुल ये पूरी जगह उसने घेरी हुई है, तो इसको भी क्लियर किया जा रहा है। दोस्तों वीडियो को मुकम्मल देखिए। दोस्तों एंटी इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर जो है मसरूर इकबाल भी मौजूद है, यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर है। ये शफीक मोड़ में आपने देखा होगा कि जो आप शफीक मोड़ की तरफ से जब जैसे ही आप जो है ना सुराबगोट की तरफ जा रहे होंगे तो आपको ये गन्ने की मशीन नज़र आएगी। वो काफ़ी पुरानी मशीन यहाँ पर लगी हुई है, तो इस मशीन को भी हटा रहे हैं। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद राजपूत साहब ने कहा है कि हम आवाम से अपील करते हैं कि रोड और फुटपाथ पर अपना कारोबार ना करें, फुटपाथ अपने इस्तेमाल में ना लें, अज खुद तजावजात डालें, मेन रोड पर तजावजात नाकाबिले बर्दाश्त है। कार्रवाई के दौरान डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट ज़िला वस्ती कामरान अलवी, डिप्टी डायरेक्टर मसूर इकबाल समेत एंटी इंक्रोचमेंट स्टाफ भी शामिल हैं।
रेस्टोरेंट जो है इसके बाहर जितनी भी कुर्सियाँ रखी हुई है उसको भी जब्त किया जा रहा है। ये जो फुटपाथ और बीच में जो अक्सर जो है ये लोग कुर्सियाँ और ठिया लगा रहे थे, बल्कि उसको दुकान छोटी सी होती है और ये बहुत बड़ी जगह घेर के जो है कारोबार कर रहे होते हैं, तो उनकी जो कुर्सियाँ भी जो है जब्त की जा रही है, जब्त किया जा रहा है। लेकिन ये अपने आप को सामान जो है मतलब फौरी तौर पर अंदर लेके जा रही है, आप वीडियो में देख सकते हैं। ये मशीन बहुत भारी है, इसको हटाना भी आसान बात कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर यहाँ तक वीडियो देखने पर शुक्रिया। इसी के साथ अपने आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने चैनल वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगेबान।